हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं आपको ये राउंड शेप में बहुत ही प्यारे से डिजाइन का टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आप इसको टेबल मैट बना के यूज कर सकते हो, डोरमेट बना सकते हो, पूजा का आसन बना सकते हो। ये देखिए, मैंने पूजा का आसन स्टार्ट कर रखा है। इसमें फ्रेंड्स मैंने 40 फंदे डाले हैं, तो ये काफी बड़ा सर्कल बनेगा। और ये देखिए, अंदर ये इसमें ये फ्लावर बनेगा। तो फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी मैंने इसको कैसे स्टार्ट किया और मैं इसको कैसे बनाऊंगी। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखिए और डिजाइन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। तो देखिए, इसको मैंने फ्रेंड्स ये मैंने डबल ऊन से बनाया है। ये आप देख सकते हो, पुरानी ऊन जैसे हमारे पास स्वेटर होती है तो उसको मैंने डबल कर रखा है। डबल से फ्रेंड्स इसका देखिए थोड़ा सा मोटा स्टफ बनेगा। ये इसकी देखिए बैक साइड है, ये बैक साइड से भी बहुत ही सफाई के साथ बनके कंप्लीट होगा। और ये इसकी राइट साइड है। तो इसको फ्रेंड्स मैंने 7 नंबर की नीडल से बनाया है। अगर आपके पास 8 नंबर की हैं या 6 नंबर की हैं और थोड़ी सी मोटी ऊन आप सिंगल से बनाओगे तो आप इसको 9 नंबर से भी बना सकते हो। देखिए सिंपल, ये भी मैं डबल ऊन पे ही बताऊंगी। और सिंपल मैंने इसमें बिल्कुल फंदे डाले फ्रेंड्स, बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए फंदे मैंने इसमें कैसे डाले हैं, वो आप एक बार देख लीजिए। आप यहाँ पे इन दोनों की नोट भी लगा सकते हैं, मैं ऐसे ही डालती हूँ। ये देखिए, ऐसे किया, एक बार ऐसे किया, इसको ऐसे कर दिया, एक फंदा हमारा बन गया। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल आपने इसमें फंदे डालने हैं। और जिसको डालने आते हैं वो आप जैसे भी इसमें फंदे डालते हो वैसे ही आप इसमें डाल के इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो। ये मैं बिगिनर्स के लिए मैं फंदे डालना मैंने बताया है। ये देखिए ऐसे करके, और हम ऐसे कर देंगे, एक बार और देख लीजिए। देखिए ऐसे किया, ऐसे हम इसमें फ्रेंड्स 40 फंदे डाल लेंगे। तो मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने 40 फंदे डाल लिए हैं। 40 फंदे डालने के बाद इसको हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाएंगे। फर्स्ट रो है ये हमारी, इसको हम ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, सारे ही फंदे हम दूसरी नीडल में बना लेंगे। इस रो को मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए, ये पूरी रो कंप्लीट हो गई है। किनारे वाला फंदा आप देखिए ऐसे सीधा बनाइए। अब देखिए हम आ गए हैं बैक साइड में। ये उल्टी साइड है हमारी और ये सीधी साइड है। तो यहां से अब हम अपना सेकंड कलर इसमें ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पे इसकी आप ऐसे नोट भी लगा सकते हैं। ये देखिए, नोट लगा ली मैंने यहाँ पे। अब हम अपना इसमें सेकंड कलर से मैं इसको टाइट करके खींच लीजिए। देखिए, एक और ये दो, दो फंदे मैं इसमें बनाऊंगी। इसको आप ऐसे अंदर ले लीजिए। ये बैक साइड से भी आपका बहुत ही सफाई के साथ बनेगा। और बाकी के सारे ही फंदे में जो भी आपका बेस कलर है आप उससे बना दीजिए। कली की हमने स्टार्टिंग कर ली है, दो फंदे मैंने यहाँ पे दूसरे कलर के बना लिए हैं और दो फंदे मैं पीछे छोड़ दूंगी। आप इसको फ्रेंड्स मल्टी कलर में भी बना सकते हो और दो कलर से भी आप इसको बना सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। हर कली में आप अलग अलग कलर भी भर सकते हो।
ये देखिए लास्ट में हम दो फंदे छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स छोटी छोटी चीजें हैं, आप ये देखिए इसको हम ऐसे ही उतारेंगे और ये पूरी रो हम ऐसे बना लेंगे। तो मैं इसको यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी ये फंदा हमने यहाँ से कैसे घुमाना है। देखिए इस साइड से जो जिस कलर के हमने वैसे ही बनाने हैं, यहाँ तक हमने इस कलर के बनाए, दो हमारे दूसरे कलर के। तो देखिए इस थ्रेड को पीछे करेंगे और पीछे से दूसरा लेके आएंगे, इसको ऐसे क्रॉस कर लेंगे। हर बार इसको आपने ऐसे ही क्रॉस करना है। इसको हम उल्टा बनाएंगे और किनारे वाले को हम ऐसे सीधा बना देंगे। इनको इसको एक साइड से हमने बनाना है और एक साइड से हमने इसको ऐसे ही उतारना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसके किनारे की ये ऐसी आपकी फिनिशिंग बनती जाएगी। एक बार और देख लीजिए, इस साइड से ऐसे उतारेंगे और अब हम इसमें ये दो हमारे पहले के थे, दो और हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो हमने इसमें ऐड कर लिए, बाकी के हम इस कलर से बनाएंगे और दो मैं पीछे फंदे इस बार छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स दो दो फंदे हम पीछे छोड़ते हुए बीच में आ जाएंगे और इस साइड से मैं दो दो फंदे इसमें ऐड करती हुई बीच में आ जाऊंगी। ये देखिए कि जैसे मान लीजिए मैंने यहां से आपको स्टार्टिंग करके बताई है, तो अब हम अंदर की तरफ ये बढ़ेंगे। अंदर की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं यहां तक आ जाऊंगी और इस साइड से हम दो दो फंदे छोड़ते हुए यहाँ पे बीच सेंटर में मैं आ जाऊंगी। उसके बाद मैं आपको यहां तक बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। ये देखिए दो दो फंदे छोड़ती हुई मैं बिल्कुल यहां तक आ गई हूँ और इस साइड से हम ऊपर की तरफ यहां तक बढ़ गए हैं। अब ये चार फंदे मेरे बीच में बचे हुए हैं। तो देखिए दो दो करके फ्रेंड्स हमने ऊपर तक फंदे छोड़ने हैं, आधे में हम आ गए हैं। थोड़ा सा चेंज आएगा डिजाइन में, ध्यान से देखिए। ये देखिए ये दो और हम इसमें बना लेंगे और ये दो हम छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। अब हम ऊपर ऊपर का बनाएंगे, ये हम अभी नहीं बनाएंगे। देखिए ये सारे ही फंदे हम बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप इसको बहुत ही जल्दी बना के कंप्लीट कर लोगे। इजी डिजाइन है। ये देखिए किनारे वाले को आप ऐसे सीधा बनाइए। अब देखिए थोड़ा सा बन गया है तो अब इसकी ये आपको शेप दिखाई देगी। अब एक बार और देख लीजिए, फिर मैं इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। जो भी आपने नीचे बेस कलर लगाया है उसको अब हम नहीं बनाएंगे। एक बार की ये कली हमारी पूरी हो गई, अब हम ऊपर ऊपर का ये ग्रे फ्लावर बनाएंगे। इसको बनाने से फ्रेंड इसकी कटोरी जैसी शेप नहीं आएगी, इसके किनारे ऐसे खुले खुले बनेंगे। अब देखिए पहले हमने ये छोड़े थे, अब हम ये छोड़ देंगे। और फ्रेंड्स आपको मैं एक बार अभी यहीं क्लियर कर दूं, ये वाला जो पिंक थ्रेड हमने ऊपर तक लेके जाना है, तो आप इसको ऐसे पीछे पीछे इसको ऊपर तक आप इसको लेके जाइए, आगे से ऐसे कर लीजिए। अब ये देखिए ये दो हम छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ये मैंने इसको पीछे दबा लिया है, आप ऊपर इसको ऊपर तक लेके जाइए, क्योंकि हमें फिर से दोबारा स्टार्ट करेंगे तो लंबा धागा ये नहीं रहेगा पीछे। दो फंदे हमने ग्रे के छोड़ दिए,
तो फ्रेंड्स दो दो करके मैं ये सारे ही फंदे छोड़ दूंगी और मैं बिल्कुल यहाँ ऊपर तक दो फंदे मेरे बच जाएंगे तब तक मैं दो दो करके सारे ही फंदे छोड़ दूंगी। ये देखिए इसको हम सीधा बना देंगे। तो ये दो फंदे रहने तक ये यहां तक मैंने छोड़ लिए हैं, ये दो दो करके सारे ही फंदे मैं छोड़ दूंगी। तो मैं इसको ऊपर तक कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स इस थ्रेड को मैं पीछे से बैक साइड से ऊपर तक लेके आई हूँ। ये इस साइड दिखाई भी नहीं देगा क्योंकि अब हम इसको लगाएंगे तो ऐसे लंबा नहीं खींचना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे नहीं लेके आओ तो आप यहाँ से काट के यहाँ पे दोबारा से आप इसको जोड़ लीजिए। अब देखिए दो फंदे बचे हुए हैं, इन दो को भी मैं छोड़ दूंगी। ये देखिए ये लास्ट के दो भी छोड़ दिए और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। इसको ऐसे ही उतारूंगी, थ्रेड पीछे करके इसको मैं बना दूंगी। अब देखिए ये हमारे दो दो करके हमने सारे ही फंदे छोड़ लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये कली हमारी नीचे कंप्लीट हो गई थी जब हम दो दो करके बीच में आए थे, तो अब ये हमने अपना ये फ्लावर भी कंप्लीट कर लिया। और अगर फ्रेंड्स आप ये कली ये फ्लावर एक कलर से बनाओ और ये आप इसमें अलग अलग मल्टी कलर से बनाओ तो ऐसे भी आप इसको बना सकते हो, बहुत ही सुंदर इसकी लुक आएगी। ये रंगोली टाइप से बनेगा, आप अपनी च्वाइस से कलर भर सकते हो। ये देखिए दो हम इसी कलर से बनाएंगे, यहां से हम अपना दूसरा इसमें ऐड कर लेंगे और ये सारे ही फंदे अब हम बना देंगे। कली हमारी कंप्लीट हो गई, कली के ऊपर का हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो गया। ये ऊपर फ्लावर बनाने से फ्रेंड्स ये जो अभी हमने बनाया है तो इसकी बहुत ही अच्छी शेप आएगी, गोलाई में मुड़ेंगे नहीं इसके किनारे। स्पेशल आपको खींच खींच के सीधे नहीं करने पड़ेंगे इसलिए इसको ऊपर हमने बनाया है। ये देखिए ये सारे ही फंदे हम बना लेंगे। और अगर आपको इसमें दूसरा कलर भरना हो, कली दूसरे कलर की बनानी हो, तो यहां से आप इसमें दूसरा कलर लगाइएगा। और अगर एक ही कलर से बनानी है तो जो भी आपका बेस कलर है उसी से आप दूसरी कली स्टार्ट कर लीजिए। ये देखिए एंड तक हम अपने सारे फंदे बना लेंगे और जोड़े से ही फंदे डालिएगा। फ्रेंड्स आप इसमें 40 का बनाओ या 42 का बनाओ, जैसे भी बनाओ तो आप इसमें जोड़े से ही आप इसमें फंदे डालिएगा। ये देखिए ये पूरा हो गया। अब इस साइड से इसको हम ऐसे ही उतारेंगे, इस रो को मैं कंप्लीट करूंगी, कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं ऊपर का बताऊ। ये देखिए रो हमने उतार ली है, अब थ्रेड को पीछे करेंगे। ये देखिए और पीछे से क्रॉस करके, ये देखिए क्रॉस करना फ्रेंड्स आप मत भूलिए। इसको ऐसे ले लीजिए उंगली के ऊपर और इसको ऐसे ले लीजिए। ये देखिए क्रॉस कर लिया हमने। इसको हम इस साइड से, मैंने पहले भी बताया है जो फंदा जिस कलर का होगा हम वैसे ही बनाएंगे। इसको आप सीधा बनाइएगा। अब आप देखिए ये दो थे हमारे पास, दूसरी कली की स्टार्टिंग करके देऊंगी फ्रेंड्स मैं आपको, ताकि बिगनर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दो हमने इसमें ऐड कर लिए, बाकी के हम अपने इस कलर से बना लेंगे। मेरे पास पिंक है, आपका जो भी कलर हो। फ्रेंड्स दो फंदे हम इस तरफ बढ़ गए वापस दोबारा, देखिए, और दो फंदे हम पीछे छोड़ देंगे। दो दो करके फिर हम बीच में आ जाएंगे, फिर हम यहां से ऊपर का फ्लावर बनाना स्टार्ट कर देंगे जैसे हमने नीचे बनाया था। और जब ऊपर तक आ जाएं तो दोबारा फिर से आप कली की स्टार्टिंग कर दीजिए। तो फ्रेंड्स जब आप कंटिन्यू बनाओगे तो इस तरह से आपका ये बनके ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, और मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आप फ्रेंड्स सारा ही आप ये बना लोगे उसके बाद देखिए हमने फंदे बंद कैसे करने हैं।
वो भी आप एक बार देख लीजिए, कई बार बिगनर्स को समझ में नहीं आता। मान लीजिए हमारा ये पूरा हो गया, आपका ये पूरा सर्कल बन के जब एंड करोगे आप, तो आपने ऐसे फंदे बंद करने हैं। दो का एक किया, वापस डाल लेंगे नीडल में, फिर से दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, ऐसे ही आपके सारे फंदे ये बंद हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे फंदे सारे बंद हो जाएंगे, और फिर आप इसके दोनों किनारे ऐसे मिला के और ऐसे आप सिल दीजिए बैक साइड से। तो फ्रेंड्स जब आप कंटिन्यू बनाओगे तो इस तरह से इसकी लुक आएगी। मैं इसको कंप्लीट करूंगी तो काफी बड़ा बनेगा ये, तो आप भी एक बार इसको जरूर ट्राई करना। और फ्रेंड्स डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक यू।